जेके भी सिंधी परिवार पैंजन घरन में एक बे सा ए खास करे बारन सा सिंधी में गालन था उनन के rishto.com जे पारा 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो जे सचपच तमा पैंजन बारन ले सुठो सिंधी छोकरो या सुठी सिंधी छोकरी चायो था त तमा असा जी इन स्कीम जो फायदो खणी सको था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लसनगर महानगर पालिका के होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से जारी की गई प्रभाग रचना प्रारूप को लेकर मनपा के उप महापौर भगवान बालेराव ने मनपा अधिकारियों पर आरोप करते हुए कहा कि मनपा अधिकारियों ने विरोधियों से मिलकर जानबूझकर मुझे हराने के लिए ऐसी वार्ड बाउंड्री बनाई गई है। ऐसा भगवान बालेराव की तरफ से आयोजित एक पत्रकार परिषद में बताया गया है। वार्ड बाउंड्री में कई गड़बड़ियां हैं जिसके लिए उनकी तरफ से मनपा में ऑब्जेक्शन भी दी गई है। उनका कहना है कि अगर यह दुरुस्त नहीं हुई तो वे उच्च न्यायालय तक जाएंगे। आइए जानते हैं उप महापौर भगवान बालेराव ने इस पत्रकार परिषद में क्या है कहा। उल्लासनगर में जब भी शहर बना है वहाँ से शहर विकास आराखड़ा जो बना है उसका सीमा बदलने का काम हमारे यहाँ के निवडणूक शाखा ने ये 2022 के इलेक्शन में किया है। मेरे प्रभाग में पूरा 2017 में जो प्रभाग क्रमांक 7 था उसमें जो गांधी हनुमान नगर था वो हनुमान नगर की ये 2022 में हनुमान नगर पूरा का पूरा गायब किया है। जहाँ पे वहाँ पे वोटर 7 से 7,500 वोटर है और कम से कम 8-10,000 लोक संख्या है वो पूरा निकाल के कहाँ पे दिया है वो किधर दिया नहीं, क्योंकि वो साइड में मारल की हद है, अंबरनाथ की हद है और ये एक तरफ उल्लासनगर है तो किधर भी उन लोगों को समाविष्ट नहीं किया है। हमारे यहाँ के जो निवडणूक शाखा है कि हमारे कार्य जो काम करने वाले उपायुक्त है या उनका जो टीम है उन्होंने मुझे गिराने के लिए ये सब षड्यंत्र राजकीय लोगों के साथ मिलकर किया है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को न्याय दो। न्याय देने के बाद इलेक्शन के आने वाले दिनों में इलेक्शन देखेंगे, जिधर भी रहेगा वार्ड में उधर हम लोग और राजकीय लोगों को बताऊंगा, किधर भी खड़ा रहूंगा तो चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैंने लोगों की सेवा की है, काम किया है और लोगों के साथ रहता हूं, तो मैं उसे डरने की बात नहीं है। लेकिन ये जो षड्यंत्र आपने जो किया है उल्लासनगर का शहर का बाउंड्री बदलने का काम जो किया है वो आपका गलत है। वो जल्द से जल्द आप मैंने ऑब्जेक्शन दिया है वो सुधारो और फिर से पारूप आराखड़ा या ओरिजिनल जो उल्लासनगर का शहर विकास का जो भी प्लान है उसके तहत रह के आप वहाँ प्रभाग बनाइए और वो जनता के सेवा अच्छा लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए सिफारिश करता हूँ। कितनी लोक संख्या उधर? लोक संख्या 8-10,000 के आसपास है लेकिन मतदाता 7,500-8,000 है। बालेराव जी, आपने डायरेक्ट उपायुक्त से पहले से ही, मैंने जब भी 78 वार्ड में जब भी बन रहा था तभी मैंने आक्षेप लिया था तो उनको गुस्सा है, उन्होंने मेरे को 2 नोटिस भेजा था, उसको उत्तर ही नहीं दिया मैंने। वो उपायुक्त तो मेरे को नोटिस कैसे दे सकते, डिप्टी मेयर को, उन्हें आयुक्त भी मेरे को नोटिस कैसा दे सकता है? तो ये जो फेरफार हुए इसका फायदा किसे पहुंचने वाला है? इसका फेरफार का फायदा उनके नजदीक के लोगों को पहुंचने वाला है, इसके लिए इन्होंने किया है। वहाँ पे जो मेरी वहाँ पे RPI उधर वहाँ पे जो पार्टियाँ हैं ज़्यादातर राष्ट्रवादी और RPI तो राष्ट्रवादी को फायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने किया ये। और खास करके SC वार्ड की संख्या तोड़ी गई है, जो 9 में कुछ जोड़ा गया है, 9 में ओपन लोगों को 11 में ले लिया है जो आज तक कभी हुआ नहीं। और नेचुरल जो बाउंड्री रहती है हमेशा रोड के वो साइड नहीं जाना चाहिए, रोड जरूरत पड़ी तो रोड के वो साइड जाके वो एरिया इसमें डाला है और रोड का ये साइड का एरिया वो रोड में डाला है, ऐसा कौन सा होता है? तो नेचुरल जो बाउंड्री रहती है उसी की तरह होता है। आज तक उल्लासनगर में 2002 में जो 3 का पैनल बना था तभी शास्त्री नगर मेरे पैनल में आया था, ना कि सेंट्रल पुलिस स्टेशन का जो एरिया है वो मेरे पैनल में आया था, वो तो बाउंड्री के वो साइड है। उसके बाद भी इन लोगों ने जो किया है वो गलत है, हमने ऑब्जेक्शन लिया है। अगर ये ऑब्जेक्शन उन्होंने क्लियर नहीं किया तो मैं हाईकोर्ट में जाके जाऊंगा और ये प्रक्रिया पे रोक लगाऊंगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।